दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, और अगर ये लाइफलाइन रुक जाए तो इसका क्या पूरा असर होता है ये देखने को मिला छतरपुर स्टेशन पर। येलो लाइन सुबह लगभग 9:30 बजे खराब थी, लेकिन वर्किंग डे का पहला दिन था ऑफिस टाइम होने के कारण हजारों की संख्या में लोगों को काफी परेशानी हुई। मेट्रो के अलावा बस, ऑटो या फिर मेट्रो की फीडर बस। सड़कों पर गाड़ियों का तो जाम होता है, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग नहीं होते। ये सारे यात्री मेट्रो येलो लाइन के वर्किंग डे के वर्किंग टाइम यानी लगभग 9:30 बजे। येलो लाइन की मेट्रो में खराबी आ गई। छतरपुर के आसपास के हजारों की संख्या में लोग गुड़गांव और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। अगर देखा जाए तो वर्किंग डे के पहले दिन सुबह जिस तरह मेट्रो में गड़बड़ी आई, उसके बाद से यहाँ ना तो बसें मिल रही है, ना ही ऑटो मिल रहे हैं, ना ही मेट्रो की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली बिल्टर बसें। यात्री इसको लेकर काफी हद तक परेशान है। एज ए लेडीज आप ऑफिस के लिए जा रही हैं, किस तरह का दिक्कत है? बहुत दिक्कत हो रही है, सफर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, बसेस देखिए, ऑटो देखिए, कोई भी नहीं रुक रहा है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है। मेट्रो ने ट्वीट किया है कि अल्टरनेट सुविधा दी जा रही है फीडर बस की, आपके पास मिली है यहाँ पर? कारण किस तरह की दिक्कत है आप लोगों को? कैब्स नहीं मिल रहे, ऑटो नहीं मिल रहे, अभी ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए। मेट्रो के तरफ से कोई और सुविधा दी गई है यहाँ पे, अल्टरनेट कोई सुविधा? कहाँ जाना है आपको? क्या मेट्रो खराब है यहाँ पे? मेट्रो खराब है। कब से खराब है ये? 9 बजे दिक्कत हो रही है। एक मिनट, क्या हुआ था? 9:25 के आसपास मेट्रो ज़्यादा हिल गया मेट्रो, और शॉर्ट सर्किट की धुआं भी ऊपर चली था, ऐसा लगा कि सारी वायर टूट गई ऊपर की। उसके बाद लगभग 30-35 मिनट तक हम लोग पीछे में देख सकते हुए इमरजेंसी बटन से भी उन्होंने बोला कि पेशेंट रखिए, जैसे कि 30-35 मिनट के बाद उन्होंने इवैक्यूएट किया पीछे से गेट खोल के। हम लोग इनफैक्ट अभी 10 बजे तक पहुँचना था, नहीं पहुँच पाया। अभी यहाँ से ना बोला होगा, कुछ नहीं मिल रहा है, कैब वैब बस भी नहीं मिल रही। आप उस समय मेट्रो में ही थे? हाँ हाँ मेट्रो। उस समय क्या स्थिति थी जब मेट्रो खराब हुई थी? लगा कि पता नहीं डिरेल हो जाएगी कि आग लग जाएगी, उस टाइप का सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन हो गया था। बट विदिन 30-40 सेकेंड्स हुए मेट्रो रुक गई। उसके बाद उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया, हम लोगों ने फिर 10 मिनट तक, 10-15 मिनट बाद इमरजेंसी बटन पेश किए, उन्होंने बोला कि पैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। तो फिर 30-35 मिनट के बाद हम लोग को इवैक्यूएट किया गया धीरे धीरे। तो आप लोग पैदल उसके बाद फिर आए थे? ट्रैक होकर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आए, फिर वहाँ से सफोकेशन सफोकेशन काफ़ी हो गया था, सफोकेशन हो गया था, इंफेक्शन भी हो रहे थे। बट लकीली कुछ ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नाम बता दीजिए।